हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल एट लोकेशन लिमिटेड स्टडी जोन। पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से परिनालिका में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और कल का फॉर्मूला था E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये था कल का सूत्र। चलिए भाई साहब, ये है E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। कल यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या था भाई साहब, ये स्वप्रेरकत्व था। ये क्या था? स्वप्रेरकत्व। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था फाई बराबर एल आई, फाई बराबर एल आई। इसको भी अपन स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। किसका? कुंडली का, है ना जी। अब हम अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए स्वप्रेरकत्व निकालेंगे कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होगा। आइए अलग अलग चीज़ों का स्वप्रेरकत्व निकालते हैं। तो पहला सवाल लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। भैया लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत गजब वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। बहुत गजब, श्योर फॉर एग्जाम, पक्का। इस चैप्टर में मैं आपको तीन डेरिवेशन बताऊंगा और तीन में से कोई एक पक्का मिलेगा। चलिए जी, तो ये बना लीजिए जी परिनालिका। इस परिनालिका की लंबाई कितनी है? L। कितनी लंबाई है? L। तो लिखना है भाई, पहले मैं कंसिडरेशन बोल देता हूँ। माना एक L लंबाई की परिनालिका है जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? R। त्रिज्या कितनी है? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बाजू में कितना निकलेगा? A। और A बराबर क्या होएगा? पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है। अब मान लीजिए इसके माना परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, बोल बेटा कितनी होती है? स्मॉल n, हाँ या ना? प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या कितनी होती है? स्मॉल n। बिल्कुल सही बोला बेटा ने, यहाँ पे स्मॉल n बराबर n बाई l। तो बेटा कुल फेरे कितने हो गए? n इंटू l। सर ने लंबाई स्मॉल ली, तो भैया स्मॉल ले लो, n इंटू l, ये हो गया कुल फेरों की संख्या, है ना? चलो ठीक है। मान लिया परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है, ये सब कंसिडरेशन लिख लेना, बुक में लिखा हुआ छाप लेना। मान लिया परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैंने बताया था परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, याद आया? छुई अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ, तो ये बनेगा साउथ, ये क्या बनेगा? नॉर्थ। सटाक, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। तो भैया अंदर की तरफ परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, बताया था ना, और बाहर कितना? जीरो। और इधर नीचे भी कितना? केवल अंदर होता है चुंबकीय क्षेत्र, और आपको पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है परिनालिका के अंदर का, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट हुआ कि नहीं हुआ? यस, ये हो गया म्यू नॉट एन आई, है ना? चलिए नोट कर लीजिए, म्यू नॉट एन आई। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, अंदर हो गया म्यू नॉट एन आई। अब आइए भाई साहब, हाँ अब देखिए फ्लक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं। फ्लक्स बराबर, अगर n फेरे हैं तो फ्लक्स बराबर होता है n इंटू बी इंटू ए, हाँ या ना? अगर भूल गए हो तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, और n फेरे तो n बी ए आ गया, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा क्योंकि क्षेत्र की दिशा और लंबवत की दिशा एक ही दिशा में, देखो हाँ इस पर लंबवत कहाँ भागेगा? यहाँ भागेगा, तो भैया दोनों जीरो डिग्री है, तो कॉस जीरो बराबर वन, है ना? तो n इंटू बी इंटू ए मतलब कुंडली से जाने वाला कुल फ्लक्स हो गया n, b की जगह कितना? म्यू नॉट n इंटू आई इंटू कितना? a, ठीक है ना? यस। अब देखो भैया, हाँ ठीक है रखता हूँ बेटा, फाई इक्वल टू यहाँ पे आ गया अपने पास में, देखो म्यू नॉट है यहाँ पे, देखो एक n, ये वाला पहले वाला, और ये वाला n क्या? n बाई l है, n बराबर n इंटू l है भैया, स्मॉल n मतलब कुल फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई, हाँ या ना? इंटू कितना बच गया? आई इंटू
ए तो फाई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू कितना ए, हाँ या ना, हाँ या ना, और खोपचे में क्या डाल दो, इसको नंबर क्या दे दो, आ गया समझ में? चलो भाई, बट हमका पता है, हमको मालूम है, इंग्लिश में लिखेंगे वी नो दैट, हमको मालूम है सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण की परिभाषा से फाई बराबर कितना होता है, इक्वेशन नंबर ए और बी के दर्शन करो तो एल के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक वन व ए व बी की तुलना से, ए व बी से एल का मान क्या निकल करके आया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन, आ गया समझ में, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये हो गया स्वप्रेरकत्व का मान किसके लिए, परिनालिका के लिए, किसके लिए। अब एक और गजब की चीज़ देखो, कैपिटल एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, अगर मैं एक एल का नीचे ऊपर गुणा करूँगा तो एक एल का नीचे क्या करना पड़ेगा, भाग, हाँ या ना, इधर नीचे भी गुणा ऊपर भी गुणा, हाँ या ना, हिसाब बराबर है कि नहीं है। अब ये देखो एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को क्या मैं एन बाई एल का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एन बाई एल क्या स्मॉल एन होता है, तो ये भैया फार्मूला बन गया n बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू कितना l, नोट कर लो, ये है प्रति एकांक की भाषा में और ये है n फेरों की भाषा में। चलो भाई, हाँ, आयतन बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही, v हो जाएगा, तो प्रति एकांक आयतन यहाँ पे v भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बताया आपने। तो l बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर v, चलिए नोट कर लीजिए, आ गया समझ में? हाँ। अब क्योंकि अपन को पता है कि परिनालिका का जो ये होता है, ये कैसा होता है, वृत्ताकार, क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है बेटा, तो यहां से एक ही जगह पाई आर स्क्वायर चपका दो, तो एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना एल, नोट कर लीजिए। स्टार स्टार क्या बना रखे यार तूने, अच्छा 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 चल ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये मेरा डायलॉग ले लिया ना इसने, तो भैया स्वप्रेरकत्व का मान आ चुका है L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ठीक है, लिख लिया, मिटार दूं, लिखो जल्दी से। अभी अपन ने निकाला स्वप्रेरकत्व किस प्रकार की, कुंडली के लिए, परिनालिका के लिए, अब अपन निकालेंगे स्वप्रेरकत्व किसके लिए, वृत्तीय कुंडली के लिए। अगला डेरिवेशन लिखे भैया, अगला डेरिवेशन लिखे, मगर अगले डेरिवेशन को लिखने के पहले लिखें, लिखें परिनालिका का स्वप्रेरकत्व किन बातों पर निर्भर करता है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, बोलो हाँ या ना, निर्भर करता है कि नहीं करता। देखो फॉर्मूले में एल प्रोपोर्शनल टू ए बन रहा कि नहीं बन रहा, बन रहा ना, हाँ। दूसरा, अगर a होता है तो l प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, क्योंकि पाई r स्क्वायर में पाई कांस्टेंट है, हाँ या ना, ठीक है। तीसरा, परिनालिका की लंबाई के अनुक्रमानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती l इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, हाँ या ना। अच्छा देखो, अपन ने कैपिटल इसलिए नहीं माना, वैसे मानने का मन था कैपिटल l, मगर खुद l है, खुद प्रेरकत्व l है, इसलिए अपन को क्या मानना पड़ा, स्मॉल l, ठीक है ना, यस। और चौथा भैया देखो, अपन ने देखा कि अगर परिनालिका हवा में है तो क्या चलता है, म्यू म्यू नॉट, और अगर माध्यम में होगा तो क्या हो जाएगा, म्यू एम, क्या हो जाएगा, जिसको अपन डायरेक्टली म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
और यही म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर मतलब परिनालिका के कोर की चुंबकशीलता पर, है ना, ये क्या है कोर की चुंबकशीलता म्यू माध्यम के अनुक्रमानुपाती, कोर की चुंबकशीलता एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, बाकी डेरिवेशन तो पढ़ चुके हैं, सब कुछ आने लग गया, चलो रफ करो। प्रश्न क्रमांक 19, प्रश्न क्रमांक 19, बेन साहब ने पिछला शब्द किस दिन अपने मुंह से निकाला था, हो गए 3-4 महीना बिना बोले हुए बेन साहब, हैं नहीं वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, चलो बताओ। अच्छा, तो अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बढ़ेगा। अच्छा, मैं वैसे बताऊं यही लक्षण है भाई साहब बड़े अधिकारी बनने के, लक्षण यही है। नहीं वैसे महात्मा गांधी ने कहा था मौन सर्वोत्तम भाषा है, क्या कहा था, मौन सर्वोत्तम भाषा है, महात्मा गांधी का कथन है मौन सर्वोत्तम भाषा है, और मुस्कुराहट सबसे अच्छा उत्तर है, मुस्कुराहट सबसे अच्छा उत्तर है। भाई कोई लड़ने गया चलोगे भाई वो पांडे जी बगल वाले मर गए लगे उल्टा, ऐसा नहीं है भाई साहब, है ना, मतलब सोचना पड़ेगा सिचुएशनल क्या है। चलिए काम की बात करते हैं, लिखो वृत्तीय कुंडली, एक समतल वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरकत्व हेतु, एक समतल वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, बताइए कि यह किन कारकों पर निर्भर करता है, बोलो कहल, पहले किसका प्रेरकत्व तो निकाला अपन ने, परिनालिका का, अब किसका निकाल रहे हैं बच्चों, वृत्ति समतल कुंडली का, चलो भैया निकालते हैं वृत्ति समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो भैया सबसे पहले आपको पता है कि अगर किसी कुंडली में वृत्ति कुंडली में धारा आई जा रही है, हाँ या ना, फेरों की संख्या बोलो कितने हैं, स्मॉल एन फेरों की संख्या है ना, कैपिटल एन ले लें क्या कि स्मॉल एन रहने, चलो स्मॉल एन रहने दो, तो धारा आई जा रही है फेरों की संख्या एन है, तो वृत्ति कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, त्रिज्या इसकी आर है बेटा, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर ले लो भाई, हाँ सही कह रहा है क्योंकि कैपिटल एन सही रहता है फेरों की संख्या, और स्मॉल एन का होता है प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, है ना, चलो ठीक है कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब कुल फेरों की संख्या, बेटा ये हो गया बी की वैल्यू, इतना चुंबकीय क्षेत्र आ गया, बोलो हाँ या ना। अब बेटा अपन जानते हैं ये तो चुंबकीय क्षेत्र है, और ये चुंबकीय क्षेत्र धारा ऐसे जा रही है सटाक अंदर की तरफ, हाँ या ना, चुंबकीय क्षेत्र कैसे जाएगा अंदर की तरफ जाएगा, सीख लिया खूब। अब भैया फ्लक्स का मान फाइ इक्वल टू होता है एन, फेरों की संख्या कितना एन, बी इंटू कितना ए, क्योंकि भैया नॉर्मल चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर हैं, है ना, तो भैया एन बी ए होएगा, हाँ या ना, कॉस 90 बराबर 0 हो गया, हाँ या ना, फाइव बराबर एन की जगह एन बी की जगह बोलो म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना टू आर इंटू कितना ए, अरे भाई मेरे समझ नहीं पाए तुम, देखो देखो क्षेत्र भी अंदर है बोलो हाँ, और क्षेत्रफल सदिश भी अंदर है बोलो हाँ, तो कॉस 0 डिग्री हो गया ना, मैंने तल के साथ कोण बोल गया मगर एग्जैक्टली कितने डिग्री है 0 डिग्री है, ठीक है ना, चलो हाँ कॉस 90 जीरो नहीं, कॉस 90 तो 0 होता मगर यहाँ पे कॉस कितने डिग्री आएगा 1 हो गया, चलो आगे की बात करें, ठीक है चलो म्यू नॉट एन आई और साथ में क्या आएगा बेटा ए, क्या आएगा ए, चलो तो यहाँ पे हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर बोलो हाँ, और कितना पाई आर अपॉन में कितना कुंटे पे कितना, आ गया समझ में,
कुंटे पे ए नहीं है, ए कुंटे पे आएगा आई, क्या आएगा? क्योंकि ए की वैल्यू तो चपका दी अपन ने, कितनी पाई आर, आ गया समझ में? एक आर से एक आर, फाई बराबर इतना हो गया, इसको अच्छे से सजा के लिखेंगे तो फाई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई अपॉन कितना, टू, एक और आ रहा है ठीक है, अपॉन कितना इंटू कितना, नंबर कितना एक। चलो और अपन को पता है बाय द परिभाषा ऑफ स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन की परिभाषा से फाई बराबर कितना एल आई, तो एल के जैसा कौन होएगा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर कितना आर बाई कितना टू। चेक कर लें भाई साहब, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई टू, ये हो गया। ये किसके लिए है, जब कोर क्या है, हवा है, क्या है कोर, अगर इसी की जगह अगर आप माध्यम में कोर ले लें कोई ना कोई, तो माध्यम कोर के लिए म्यू माध्यम के कोर के लिए, अगर कोर का माध्यम म्यू है तो म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू, क्या आ जाएगा, तो L बराबर कितना हो गया, म्यू पाई एन स्क्वायर इंटू कितना R अपॉन कितना, छाप लो बेटा ये है। तो बताओ ध्यान से, हाँ L का मान किस पर निर्भर कर रहा है, कोर के माध्यम पर, कोर के माध्यम पर। L का मान निर्भर कर रहा है फेरों की संख्या पे। L का मान निर्भर कर रहा है त्रिज्या पे, बोलो हाँ है ना, R पे, R पे, आ गया समझ में, छाप लो। क्या बेटा, हाँ व्युत्क्रम कहाँ हो गया व्युत्क्रम, वाह बेटा बहुत बढ़िया, क्या बोल गया बेटा, दो वेरिएबल की कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी बदलेगा, हाँ तो काय को निर्भर करेगा, दो है तो फिक्स तो है, चलो नोट कर लो। अभी तक हमने बम अपने घर में फोड़ा और आवाज़ हमारे घर में आई, बोलो हाँ, हाँ या ना, घर में बम अपन ने आंगन में रख के फोड़ा, फोड़ा ना, और आवाज़ अपने ही घर में गई, मतलब खुद की बैग धारा की वजह से उल्टा ईएमएफ डेवलप हो गया, इसको बोलते हैं स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल, अपने बैंड में अपन ही नाच गए, बोलो हाँ या ना। अब कल बैंड बजेगा अपने यहाँ और नाचेगा कौन, पड़ोसी, नाचेगा कौन, पड़ोसी, तो वो कहलाएगा भैया अन्योन प्रेरकत्व, क्या कहलाएगा, हेडिंग डाल लो अन्योन प्रेरकत्व। तो कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे अन्योन प्रेरकत्व, समझ गए ना, फ्लक्स हमारा होगा, वोल्टेज किसी और का होगा, फ्लक्स में परिवर्तन हमारी कुंडली का होगा और वोल्टेज किसी और के यहाँ दौड़ेगा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, मतलब हमारी करंट से किसी और की बत्ती जलेगी, ठीक है, चलो कल पढ़ते हैं।